तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं, वैसे है बहुत पुरानी लेकिन मोस्ट ऑफ दी पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट। अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो यूज क्या करें। ठीक है, तो अब यूज की बात आई तो मैं आपको आज यूज टू के बारे में बता रहा हूँ। यूज टू सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि होता है वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट इज द वर्ब। जब इस वर्ब के सामने आता है आपको मिलता है ता, था, थी, थी, या ते थे। ता था, थी, थी, ते थे। जैसे लाइक मैं खेलता था, भागता था, रहता था, सोता था, जाता था, लेट जाता था। जहां कहीं भी ऐसा लगे कि आपकी कुछ पिछली हैबिट की बात हो रही है या वो काम लगातार होता ही था, तो वहां पर हम यूज करते हैं ता था को, ताथा के साथ यूज को। और कई बार ताथा आएगा तो सही, लेकिन वो होगा नॉन एक्शन वर्ब में, जिसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब भी बोलते हैं। जैसे कि रहना, मैं रहता था। इंट्रांसिटिव वर्ब, जैसे कि मैं खाना चाहता था, मैं पूछना चाहता था। अब यहां पर कुछ काम होता नहीं दिख रहा है, इसीलिए बिल्कुल क्लियरली बात है कि जहां पर भी ताता आएगा वहां पर एक एक्शन हमें होता जरूर दिखना चाहिए। नहीं तो इनडेफिनिट में बन जाएगा। एक्शन वर्ब, यस ऑफ कोर्स। जैसे ही वहां पर आएगा, क्या आएगा, ताता, और वहां पर एक्शन होता दिखे, मैं खेलता था। अब जो खेल है वो इट इज वेरी विजिबली सीन, मतलब इट्स वेरी विजिबल। दूसरी बात है कि मैं लिखता था, पढ़ाता था, पढ़ता था, जहां पर मैं काम होता दिखेगा वहां पर हम सिर्फ वहीं पर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। एक्शन वर्ब और नाउन यूज टू, इसको थोड़ा समझाएंगे। प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये तो एक रूल हो गया। अब अधिकतर जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले एक्शन नॉन एक्शन क्लियर कर दिया जाए। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एक्शन क्या है, जहां पर हम ट्रांसिटिव वर्ब की बात करें, ट्रांसिटिव को मैंने सिंपल भाषा में एक्शन वर्ब बोला है, ट्रांसिटिव वर्ब, राइट। अब एक्शन क्या है, अब जैसे कि मैं बैठा हुआ हूं इस चेयर पर और मैं उठता हूं, तो ये आप मुझे देख पाएंगे कि मैं बैठे से उठ रहा था, तो ये क्या हुआ, एक्शन वर्ब। लेकिन अभी मैं खड़ा हूं तो वर्ब तो जारी है खड़ा रहने के, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता दिखता है खड़े होने का, राइट। मैं सिर्फ खड़ा हूं तो ये नॉन एक्शन वर्ब। सेम एज मैं पीना चाहता हूं, चाहना तो दिखेगा नहीं ना अंदर से। अगर मैं पीता हूं, चाय पीता हूं, कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, तो मुझे दिखेगा ना मैं पी रहा हूं। लेकिन अगर मैं पीना चाहता हूं, जहां पर इच्छा की बात आएगी, आप ऐसा करना चाह रहे हैं, जहां पर इच्छा की बात आएगी, जैसे मैं मेरी बॉडी से रिलेटेड कुछ है, फिजिकल काम, तो वो एक्शन कह रहा है। बॉडी से नहीं, एक्शन कैसे भी हो सकता है, चिड़िया उड़ती है हमें दिखता है, झरना गिरता है, फिजिकली काम कर रही है, जहां पर हमें कुछ भी होता हुआ दिखे दैट इज एक्शन वर्ब। जहां पर एक्शन नहीं होता दिखे दैट इज नॉन एक्शन, मन में हो रहा है वो नॉन एक्शन। ठीक है, तो अब मैं दोनों के एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे कि हमारे अध्यापकगण हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। अब कहते हैं दैट मीन्स यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं कि अब जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ते थे आ गया, हमें पता लग गया कि हमें रूल कौन सा लगाना है, क्योंकि यहां पर एक्शन हो रहा है तो हमें रूल यही लगाना है सीधे सीधे। अब अगेन, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जो पहली बार इस क्लास में बैठे, वो समझे कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि वर्ब होती है वर्ब, और इस वर्ब से ही हमें पूछना है, दो सवाल करने हैं, क्योंकि अक्सर लाइक हमें नहीं पता कि यहां पर वो कौन है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम इस वर्ब से पूछते हैं कि, क्योंकि अभी तेथे के साथ हमें बताया कि वर्ब मिल जाएगी, तो वर्ब है पढ़ा, दिस इज द वर्ब। और मैंने इससे पूछा कि कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाते थे, हमारे अध्यापक गण, तो आर टीचर्स, सॉरी आर टीचर्स, हमारे अध्यापक बहुत सारे हैं,
अगर एक होता तो आर टीचर ओनली अध्यापक। अच्छा अब क्या वर्ब है, सॉरी अब इसके बाद यूज टू कहते हैं, तो आर टीचर्स यूज टू, वर्ब क्या है पढ़ाने में क्या कहते हैं, टीच टीच। अब बचा क्या ऑब्जेक्ट, दोबारा इससे पूछते हैं कि वो क्या पढ़ाते हैं या किसे पढ़ाते हैं। अब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज मिलेंगी, वो क्या पढ़ाते हैं और वो किसे पढ़ाते हैं, वो दोनों ही चीज मिल रही है। तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि आर टीचर यूज टू टीच, क्या पढ़ाते हैं हमें, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश हमें पढ़ाते हैं तो टू अस। यहां पर है एक्शन। अब मैं एक नॉन एक्शन वाला एग्जांपल देता हूं जहां पर ये यूज टू यूज नहीं होगा, जैसे कि मेरी मां मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। तो अगेन की भी है, लेकिन जो यहां पर जो वर्ब है चा, ये एक इनट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर ये रूल नहीं लगेगा, इस वजह से यहां पर जो रूल लगेगा वो होगा सब्जेक्ट पास्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो माय मदर, अब चाहने का कहते हैं वॉन्ट, वॉन्ट की पास्ट फॉर्म होती है वॉन्टेड। माय मदर वॉन्टेड क्या चाहती थी मुझे, राइट, वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ डॉक्टर। तो आशा करते हैं कि यह चीज आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, अगर नहीं आई है तो अपने आप कॉमेंट में जरूर लिखना, और आप लोग तो अपनी कॉपियां चेक करा सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच।